हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुराने दौर में कई ऐसे टीवी एक्टर्स थे जो अपनी अदाकारी से हमारी मुस्कुराहट का सबब बन जाते थे। टीवी एक्टर संजीत बेदी भी उनमें से एक थे। सालों पहले टीवी पर एक सीरियल आता था संजीवनी, इंटर्नशिप पर आए नए नए डॉक्टरों की कहानियां। इस सीरियल में एक किरदार हुआ करता था डॉक्टर उमेश जोशी यानी ओमी का। इस किरदार में संजीत ने ऐसी जान डाली थी कि लोग उनको ही देखने के लिए ये शो देखा करते थे। मगर क्या आपको पता है कि आपके डॉक्टर ओमी के साथ असल जिंदगी में क्या हुआ था? सिर्फ 38 साल की उम्र में इनका इतना दर्दनाक अंत हुआ जिसे जानकर आपकी आंखें भर जाएंगी। संजीवनी का डॉक्टर ओमी यानी संजीत बेदी एक हंसता खेलता किरदार सिर्फ टीवी शो में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी वो ऐसे ही थे। संजीत दिल्ली वाले थे। 8 मई 1977 को वो पैदा हुए थे। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक छोटा सा घर हुआ करता था। यहाँ वो अपनी माँ मोहिनी बेदी और बहन मंदिरा के साथ रहा करते थे। संजीत बचपन से ही मिलनसार थे, हमेशा दोस्तों से घिरे रहने वाले। संजीत या तो दोस्तों के घर पर गप्पे मारते मिलते या फिर सबको अपने घर पर बुलाकर उनसे घिरे रहते। पढ़ाई लिखाई में तो संजीत का मन ज्यादा नहीं लगता था, मगर उनका एक शौक था एक्टिंग करने का। वो बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते थे। बेटा पढ़ता लिखता नहीं था तो माँ को उसके भविष्य की चिंता होती थी। माँ मोहिनी जब भी उनको टोकती तो वो बस उनको जादू की झप्पी देकर खिसक लेते। वैसे माँ को उनके लंबे बाल रखने का शौक भी पसंद नहीं था। संजीत नाटकों में भाग लिया करते और अभिनय करते। स्कूल के दोस्त उनको मॉडल बनने को कहा करते। संजीत भी लंबे चौड़े थे और चेहरा भी अच्छा था, सो स्कूल खत्म होते ही उन्होंने दो काम किए। पहला थिएटर ज्वाइन कर लिया और दूसरा मॉडलिंग करने की कोशिश करने लगे। उनको मॉडलिंग के काम मिलने भी लग गए और थिएटर में एक्टिंग भी अच्छी चलने लगी। अब बताते हैं कि उनकी किस्मत कैसे खुली। थिएटर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके संजीत का एक नाटक हो रहा था। इस नाटक को होस्ट करने के दौरान एक एंटरटेनमेंट चैनल वालों की नजर उन पर पड़ी। वो चैनल B4U था। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर चैनल वाले इतने प्रभावित हो गए कि उनको अपने चैनल पर वीजे की जॉब ऑफर कर दी। संजीत मुंबई आ गए और करीब 4 साल तक वीडियो जॉकी बनकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करते रहे। उस दौर के टॉप 3 वीजे में उनका नाम भी आने लगा, लेकिन अभी किस्मत में तो बहुत आगे जाना लिखा था। साल 2002 की बात है। एक चैनल नए डॉक्टरों की जिंदगी की चुनौतियों और लव लाइफ को लेकर एक शो बनाने जा रहा था संजीवनी। शो ऑन एयर हो चुका था, मगर शो मेकर्स को एक किरदार चाहिए था जिसको एड्स की बीमारी होती है, मगर वो किरदार बहुत जिंदा दिल होता है। ऐसे ही जिंदा दिल दिखने वाले लड़के की तलाश हो रही थी कि अचानक मेकर्स की नजर विजय संजीत पर पड़ी। संजीत हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे। उनको शो की ओर से कॉल गया तो वो फौरन ही ऑडिशन देने पहुंच गए। थिएटर करने वाले विजय के लिए ऑडिशन निकालना कौन सी बड़ी बात थी। बस हो गया उनका सिलेक्शन और पहली बार डॉक्टर ओमी का किरदार संजीवनी सीरियल में लाया गया। ऐसा लगा जैसे सब उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। संजीत ने अपनी जिंदा दिल एक्टिंग से ऐसा समा बांधा कि लोग दूसरे किरदारों को भूलकर उनको ही पसंद करने लगे। संजीवनी का मतलब ही डॉक्टर ओमी हो गया। लोग इनको नाम से नहीं बल्कि ओमी कहकर ही पहचानने लगे। वैसे इसी दौरान वो एक और सीरियल मान में नजर आए थे। डॉक्टर ओमी के किरदार से हिट हो चुके संजीत को अब काम की कोई कमी नहीं रही। टीवी के मशहूर चेहरों में उनका नाम भी आ चुका था। साल 2004 में इनको एक साथ 2 टीवी शो मिल गए, कोई जाने ना जिसमें ये कृष राजवंश के रोल में नजर आए, तो दूसरा साथिया प्यार का नया एहसास शो में आर्यन ओबेरॉय बने।
संजीत की एक्टिंग से प्रभावित होकर उनको उस दौर के सबसे मशहूर शो में काम करने का ऑफर भी आ गया। ये ऑफर बालाजी टेलीफिल्म से आया। शो का नाम था कसौटी जिंदगी की, जिसमें श्वेता तिवारी मेन रोल करती थी। इस शो में उनको एक वकील महेश बजाज की भूमिका मिली थी। इस रोल को उन्होंने ऐसा निभाया कि बालाजी से एक और ऑफर आ गया। शो था क्या होगा निम्मो का। इसमें विक्रांत बने संजीत ने खूब वाहवाही बटोरी थी। इसके बाद वो कभी आहट तो कभी जाने क्या बात हुई जैसे बड़े सीरियलों में भी काम करते नजर आए। संजीत कुछ ही समय में टीवी की दुनिया के बड़े कलाकार बन चुके थे। एक्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेखा भाटिया नाम की लड़की से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। संजीत टीवी से निकलकर फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ चुके थे, मगर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। संजीत बेदी 36-37 साल के रहे होंगे। वो रेकी ध्यान विद्या सीख रहे थे, साथ ही कई एनजीओ से जुड़कर समाज सेवा भी करते थे। मगर अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार आया, शरीर टूट गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि मलेरिया हो गया था। बड़ी मुश्किल से काफी इलाज चला, उसके बाद वो मलेरिया से ठीक हो पाए, तो कुछ समय बाद दूसरी बीमारी ने घेर लिया। उनके शरीर के कई हिस्सों में अजीब सा इन्फेक्शन होने लगा। शरीर में दाद जैसे छाले निकलने लगे, जिसने फिर से इनको बीमार कर दिया। अभी संजीत इसी बीमारी से जूझ रहे थे कि उनको सिर में दर्द होना शुरू हो गया। उनको दिमाग की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनको हुआ क्या था। कुछ ही महीनों में बीमारी ने भयानक रूप ले लिया और संजीत की हालत बहुत खराब होने लगी। सिर में भयंकर दर्द रहता और होश खोते जा रहे थे। दवाओं के सहारे जिंदगी का एक एक दिन बीत रहा था। साल 2015 का मई महीना, उनके दिमाग में वायरस का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो गया कि डॉक्टरों ने उनको बचाने के लिए दिमाग को दवाओं के जरिए कुछ समय के लिए कोमा में रखने का फैसला कर लिया। एक महीने तक उनके दिमाग को कोमा में रखा गया। सबको उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। 23 जून 2015 के दिन सिर्फ 38 साल का ये बेजोड़ टीवी अभिनेता कोमा से बाहर नहीं आ सका और उनकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में संजीत बेदी की मौत ने पूरे टीवी जगत को हैरान कर दिया था। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इस बेहतरीन अदाकार का इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा दर्दनाक अंत हो जाएगा। डॉक्टर ओमी अब बस अपने चाहने वालों की यादों में ही रह गया है। दोस्तों, आपको संजीत बेदी याद हैं या नहीं? अगर हाँ, तो उनका कौन सा सीरियल या किरदार आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।